खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते तकनीकी प्रक्षेत्र परीक्षण कार्यक्रम, धान भर नील हरित काई के उत्पादन के तकनीक, फूल गोभी के स्नेहा किस्म, टमाटर के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरित है और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकते है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के नवीन और उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण किसान मन के ही प्रक्षेत्र में करे जाते है, जेकर से ये ज्ञात हो सके कि ये तकनीक हर जिला के किसान मन पर लाभकारी है या नहीं। ए प्रकार के कार्यक्रम से किसान भाई मन ला भी नया तकनीक के पता चलही और अपन खेत के विकास करे बर खुद ही निर्णय ले सकी। विगत वर्ष लगभग 500 उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण करे जा चुके हैं। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में मन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। धान के फसल में नील हरित काई प्रकृति द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उपहार हरे। एकर उपयोग करके किसान मन लगभग 50 किलोग्राम यूरिया खाद के बचत कर सकते, संगे संग 8 ले 10 क्विंटल कार्बनिक पदार्थ प्रति हेक्टेयर के पूर्ति भी एकर से हो जाते। एकर उत्पादन बर खुला धूप वाले जगह में 5-10 मीटर गड्ढा करके पानी भर देना चाहिए। गड्ढा में 100 ग्राम नील हरित काई ला छिड़क देना चाहिए। यदि गड्ढा में कीड़ा है तो जैविक कीटनाशक के छिड़काव करना चाहिए। 3-4 दिन बाद हरित काई बने ला धर लेते और 10-15 दिन में तैयार हो जाते। एकर बाद गड्ढा के पानी ला सुखन देना चाहिए। गड्ढा जब पूरा सूख जाते तो हरित काई हा पपड़ी बन जाते। सूखा पपड़ी ला निकाल के कूट लेना चाहिए। ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होते, जेकर ले उत्पादन ज्यादा होते और लाभ मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एकर बर 25 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं। इसी के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इसका नाम अंबिका पैडी वीडर है, जिसका उपयोग है कि निंदाई के काम में आता है यह यंत्र और ये मानव चलित है, जो बहुत प्रसिद्धि पाई है। ये अंबिका पैडी वीडर है और बहुत उपयोगी है क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें सबसे ज्यादा हम धान की ही खेती करते हैं और जब हम कतार में बुआई करते हैं तो उसमें निंदाई के लिए सबसे अच्छा यंत्र अभी तक देखा गया है, ये जो विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी संकाय में विकसित किया गया है। इसकी कीमत है 745 रुपये और जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें कि अनुदान की राशि है 373 रुपये और कृषक का अंश है इसमें 372 रुपये और इसकी कार्य क्षमता है 0.2 एकड़ प्रतिदिन है। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती कर रहे किसान भाई मन ला फूल गोभी के एक उन्नत किस्म स्नेहा के जानकारी देवत हन। ये किस्म के गोभी पर गर्म और आद्र जलवायु बने होते, जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देते। लगभग 2.5 ले 3 महीना में तैयार ए फसल के एक एक फल है 1.5 ले 2 किलो तक के वजन होते। दिखे में सफेद हल्का पीलापन लिए और खाए में स्वादिष्ट होते। तो हमारे किसान भाई मन फूल गोभी के स्नेहा किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो उखर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करते और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करते। ऐसा ही कवर्धा जिला के किसान सूरज भैया हा अपन आधा एकड़ के खेत में टमाटर के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावे। जानकारी देवत सूरज भैया बताते कि ओखर ये खेती करे में निंदाई कोड़ाई सिंचाई बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में उला लगभग 25 से 40 हजार रुपए तक के खर्चा आए हावे। ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 55 से 80 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले थे और उमन हा उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत थे। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन में बदली छाए रही और रात में पानी गिरे के संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमर प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान फल और सब्जीवन के का भाव है। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति क्विंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति क्विंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति क्विंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए हैं। एकर व्यापार करिया व्यापारी मन बताते कि थोक में एकर भाव 25 ले 30 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 35 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। धान आया 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णामासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति क्विंटल। स्वर्णामासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति क्विंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान आया 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति क्विंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। स्वर्णामासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूँ? हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे खुशियां फैलाए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय भिलावे, कृषि मौसम विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से। बंगाल की खाड़ी में एक बना निम्न दाब क्षेत्र जिसकी जो कि अब समाप्त होने की स्थिति में है, जिसके प्रभाव से अब छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्रों में 3-4 दिनों तक धूप तपने की संभावना है, तो और आने वाले दिनों में तापमान 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। तो इसी को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि धान, यदि किसान भाइयों ने जो धान लगाए हुए हैं उसमें तनाछेदक की बीमारी का प्रकोप आ सकता है तो उसकी निगरानी रखें, तथा किसान भाई नत्रजन युक्त उर्वरक खाद की टॉप ड्रेसिंग करें, तथा यदि किसान भाइयों ने सब्जियों वगैरह की खेती लगाई है तो उनमें भी नत्रजन युक्त खाद्य पदार्थों की टॉप ड्रेसिंग करें। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला, जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला शिमला मिर्ची के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। शिमला मिर्च की फसल के लिए हमारे राज्य की जलवायु भी उपयुक्त है। अब यहाँ के किसानों में ऐसी अपारंपरिक फसल की ओर भी रुझान आने लगा है। शिमला मिर्च के लिए भूमि का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसकी फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं हो, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य को अम्लीय भूमि रास नहीं आती। शिमला मिर्च के लिए जीवांशयुक्त दोमट भूमि सबसे अच्छी पाई गई है। सौभाग्य से मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। शिमला मिर्च के लिए खेत की तैयारी इस प्रकार से करें, ट्रैक्टर से अच्छी तरह जुताई करके उसके बाद उसमें पाटा चलाकर मांदा निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण का लाभ किसान भाइयों को बहुत तरह से मिलता है। इससे अपनी फसलों की देखरेख अच्छी तरह से हो जाती है, जल और उर्वरक का नुकसान नहीं होता और खरपतवारों से भी बहुत हद तक बचा जा सकता है। किसान भाइयों, शिमला मिर्ची के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। शिमला मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। शिमला मिर्च के लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी है उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। शिमला मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है, क्योंकि नमी की कमी से जहां पौधे की बढ़वार रुक जाती है वहीं दूसरी ओर फल भी गिर जाते हैं। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का इस्तेमाल करें तो और भी बेहतर परिणाम देखने को मिला करते हैं। किसान भाई हो, शिमला मिर्ची की फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। शिमला मिर्च के उत्पादन में खाद प्रबंधन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 70 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नत्रजन को 35 से 40 दिनों के बाद में दे देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नत्रजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा
80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। किसान भाई हो, शिमला मिर्ची के फसल में कुछ रोग राय लगे के डर रही थे, ए रोग का हरे, एखर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। मिर्च की फसल में दो प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग की पहचान ये है कि इसमें पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती हैं और एक ओर मुड़ जाती हैं, जिसके पौधे बौने रह जाते हैं। मिर्च का पौधा पौधा न होकर झाड़ी नुमा हो जाता है। इस रोग से प्रभावित पौधों में फूल बहुत ही कम निकलते हैं, फलों की संख्या और आकार में बेहद कमी आ जाती है। साथ ही फलों में एक विकृति सी आ जाती है, जिसके कारण इसका बाजार भाव भी कम हो जाता है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंचन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी, जो बीमिसिया टिबेकाई कहलाती है, के द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए रोगी पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। इसके अलावा इन रोगों से बचने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर रोग रोधी किस्मों की खेती करके भी रोगों के जंजाल से मुक्ति पाई जा सकती है। मिर्च फसल की दुश्मन दूसरे रोग का नाम है एंथ्रेक्नोस या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12-35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग को पहचानना इस तरह से जा सकता है कि पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगता है और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाई बैक या शीर्ष रंभी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ये फफूंद जनित रोग हैं। इसका प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से हो तो बेहतर होता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होता है और वहीं से पौधों का रस चूसता है। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधे को हिलाने मात्र से ही सफेद रंग के फुदके काफी संख्या में झड़ते हैं। इसके अलावा एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार भी वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। शिमला मिर्च की खेती उत्पादन की कुछ विज्ञान सम्मत विधियों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कृषक करता है तो फिर कोई वजह नहीं कि उसे निराश होना पड़े। किसी नए और अपारंपरिक फसल के उत्पादन से पहले यदि किसी जानकार और विशेषज्ञ की राय लेनी पड़े तो इसमें क्या बुराई है। सफलता कौशल चाहती है और कौशल के लिए संबंधित क्षेत्र विशेष का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। एक खूबसूरत बगिया अपने मालिक के चेहरे में भी खुशियां ला सकती है, तो क्या आपके घर तक समृद्धि लेकर नहीं आएगी, जबकि आप माली नहीं अपनी बगिया के मालिक हैं। नाजुक सी नजर आने वाली शिमला मिर्च का पालन पोषण भी थोड़ी नरमाई से हो तो भरपूर फसल प्राप्त होती है। अगर कोई काश्तकार बंधु शिमला मिर्च लगाने जैसा कुछ नया सोचता है तो निश्चित मानिए वो बहुत ही समझदार साबित होगा, क्योंकि इस अपारंपरिक फसल को उपजाने को लेकर अभी यहाँ के किसानों में चैतन्यता धीरे धीरे आ रही है। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने शिमला मिर्च का उत्पादन लिया है और ले रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति निस्संदेह सुधरी है।
अब जाए के बेरा हो गए। अब वही अंक मा फिर नवा नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होबो। तब तक बरदा विदा, जय जोहार।